Good evening everyone, I'm Dr. Aditi R. Khandelwal and welcome to my channel Flora Frenzy. So I hope all of you must have noticed that today it's a new venue and yes, it's not a coincidence. It is planned by us and yes, today I'm going to make you visit an absolutely new place and a very famous place. But before that, I want to tell you something about the person who is behind all that. So he is an IPS. He was there deputed in CID, he has worked in traffic and a lot of other things. But above that, he has created a something very, very unique in Jaipur. And so today I am at his place and to give you another interesting aspect of his life is that he comes from a community called Bishnoi community. और चिप्को मोमेंट्स के मोमेंट के बारे में आप सबने सुना होगा तो चिप्को मोमेंट से भी बहुत पहले एक किस्सा हुआ था राजस्थान में विच वॉज ऑन द सेम लाइन्स इट वॉज रिगार्डिंग प्लांट्स सेविंग प्लांट्स एंड यू नो द होल किस्सा वॉज वेरी इट इज़ वेरी ओल्ड बट इट होल्ड्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक यू मीट Mr. Het Ram Bishnoiji and he owns a very big nursery in Jaipur called as Khejri Nursery. I'm going to take you all over his nursery. It's amazing. He has an amazing collection of bonsais. So without wasting any time, I would like to invite Bishnoiji. So thank you for having me. जी वेलकम और आज यहाँ आकर के मुझे बड़ा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है क्योंकि जैसा कि मैं अपने व्यूअर्स को बताती रहती हूँ दैट आई एम फ्रॉम बिजनौर अ प्लेस इन यूपी और वहाँ पर हमारे यहाँ आम के बाग होते थे और इतनी ग्रीनरी होती थी ये आम अभी बस होके हटे ही हैं बहुत अच्छा। बड़े आम थे चौसा आम था ये पे। जी और इस साल हमने कहीं आम खरीदा ही नहीं पूरे सीजन चार तरह के आम हैं ये चौसा है हाँ। वो आम्रपाली है एक बार मलिका है जी तो अब की बार हमने आम खरीदे आम खरीदे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है यहाँ पर ये मौसमी लग रही है अनार लग रहे हैं बिल्कुल सो इट्स एन एब्सोल्यूट ट्रीट फॉर मी टू कम हियर और अब हम आपके ही मुँह से सुनना चाहेंगे कि हाउ कम एक पुलिस ऑफिसर ने स्टार्टेड नर्सरी एंड हाउ डिड इट ऑल अनफोल्ड देखिए मुझे शुरू से ही पेड़ पौधों से बहुत लगाव रहा है जी. और मैं जब बचपन में भी गांव में था तो भी मतलब खेत से पौधा ला के घर में लगाना चाहे वो पनपे या नहीं पनपे पर इट वाज माय हॉबी आई यूज्ड टू डू दैट जी और आफ्टर जॉइनिंग पुलिस डिपार्टमेंट इन 1966 ओके उसके बाद में मेरी जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही हैं हाँ. उन थानों में भी मैं आई यूज्ड टू प्लांट ट्रीज ओके पौधे लगाता रहता था और जी. ये मेरे को शौक था उसके बाद में मैं जयपुर में आ गया यहाँ पे ये जो नर्सरी शुरू करी मैंने खेजड़ी नाम से जी. ये मेरा ड्रीम था एक मेरा प्रोजेक्ट ड्रीम था कि मैं कुछ करूँगा रिटायरमेंट के बाद में तो आई विल स्टार्ट सम प्लांट्स वर्क नाम मेरे जहन में पहले से था खेजड़ी नाम क्योंकि खेजड़ी बिश्नोई जो है खेजड़ी के लिए इतना भारी बलिदान दिया हुआ है राजस्थान में और राजस्थान का ये राज्य वृक्ष है खेजड़ी आपको इस बात का पता भी होगा तो इस वजह से खेजड़ी क्योंकि राजस्थान में जहाँ पे पानी नहीं होता वहाँ पे ये पौधा पनपता है बहुत अच्छी तरह से और मवेशी भी उसी को खाते हैं और इसकी मल्टीपल इसके नीचे सबसे ज़्यादा चीज ये है कि इसके नीचे फसल को कोई नुकसान नहीं होता दूसरे अच्छा। पौधे पेड़ जो होते हैं वो फसल को नुकसान करते हैं उनके नीचे कोई फसल नहीं होती ओके इसके नीचे उल्टा फसल अच्छी होती है अच्छा। और इसकी पत्तियाँ जानवरों के लिए बहुत पौष्टिक भोजन है मनुष्यों के लिए सांगरी जैसे आप केर सांगरी की सब्जी जो खाते हैं केर सांगरी वो सांगरी इसी पौधे की होती है अच्छा इस वजह से ये सर्वाइव करता है और इसीलिए मैंने इसका नाम खेजड़ी रखा बहुत ही और खेजड़ी के लिए हमारी कम्युनिटी ने तो आपको मालूम होगा 363 लोगों ने इस पेड़ को बचाने के लिए जोधपुर के पास खेजड़ी नाम से एक जगह है वहाँ पे 363 लोग इन पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हुए थे जी। और उन्होंने पेड़ के चिपक के बलिदान दिया था कि एक पेड़ कटेगा तो एक आदमी पहले कटेगा फिर एक पेड़ कटेगा अभी भी उस एरिया में कोई सुबह जल्दी करता है तो उसको ये कहते हैं तू खड़ाने जावे कि आर यू गोइंग टू सेक्रीफाइस योरसेल्फ फॉर द ट्रीज व्हाई यू आर मेकिंग सो हरी तो ये अभी तक चलन में है वहाँ पे हाँ। ये लोग अभी तक मानते हैं और अभी भी हरा वृक्ष बिश्नोइयों में नहीं काटते हैं
सूख जाए, अपने आप सूख जाए पेड़, तो काट लेते हैं, बाकी हरा वृक्ष नहीं काटते। अच्छा, सो लेट्स सिट एंड बाकी की बातें हम आगे करते हैं। तो हमें आपने बताया कि खेजड़ी का भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, एक खेजड़ी नर्सरी का नाम क्यों रखा, तो खेजड़ी इज़ अ ट्री जो कि मैंने उसमें एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी उसमें भी बताया गया था। और जैसलमेर में स्पेसिफिकली जब हम लोग गए तो हमने वहाँ देखा कि सारे के सारे में केवल पेड़ जो थे खेजड़ी के ही पेड़ थे। मरुस्थल में आप शेखावाटी में देखें जैसे, ये शेखावाटी में आपको खेजड़ी के पेड़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे जी। वो उनकी मतलब उनकी एक बात है कि वो सर्दियों में गर्मियों में की कटिंग, सर्दियों में कटिंग कर देते हैं और गर्मियों में वो इतने ग्रीन हरे हो जाते हैं जी, इसका कोई मुकाबला नहीं। एंड यू विल वंडर, आई वेंट टू दुबई। हाँ, दुबई का जो आपका यूएई का जो राष्ट्रीय वृक्ष है, हाँ, वो खेजड़ी है, वो भी खेजड़ी है, और इंडिया का भी, राजस्थान का। वहाँ पे उसको कहते हैं गाफ, GHAF जी। और वहाँ पे आपको इस तरह की शहर में भी और बाहर भी इस तरह की लश ग्रीन खेजड़ियाँ मिलेंगी जिसका कोई मुकाबला नहीं है जी। एंड इफ़ यू गो टू अबू धाबी फ्रॉम दुबई, हाँ, तो साइड में जैसे गंगानगर जिले में या आप वहाँ गए हैं तो वहाँ देखेंगे ना, साइड में जैसे बाग लगते हैं रोज के हिसाब से, हाँ, कतार में, हाँ, उस हिसाब से खेजड़ियाँ साइडों में उन्होंने खेजड़ियों के बाग लगा रखे हैं। और वहाँ पे खेजड़ी का कोई पत्ता नहीं तोड़ सकता। अच्छा, इस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो, हाँ। तो कहते हैं हमारे यहाँ पे इसके अलावा कोई पेड़ और कोई पेड़ ही नहीं हो सकता, होता ही नहीं, और ये सबसे बढ़िया सर्वाइव करता है और सबसे हरा भरा रहता है। कितने लश ग्रीन है, एक उनका मॉल है उसके आगे, मेरे पास फोटो है आपको दिखाऊं, हाँ। उसके आगे इतने बढ़िया लश ग्रीन खेजड़ी के पौधे हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है, इतने लश ग्रीन तो यहाँ भी नहीं देखेंगे। तो ये हमें बताएं कि नर्सरी के अंदर आपके यहाँ पर क्या स्पेशलिटी है, बिकॉज मैंने बहुत सुना है कि बॉन्साई का कलेक्शन आपके पास बहुत अच्छा है। और तो नर्सरी में ऐसा बॉन्साई का कलेक्शन इस हिसाब से नहीं है जितना आप कह रहे हैं, परंतु अंदर जो घर के अंदर मेरा कलेक्शन खुद का पर्सनल है जो नॉट फॉर सेल है जी, वो उसमें बॉन्साई बहुत हैं, तरह तरह के बॉन्साई हैं, बहुत पुराने 25 साल 30 साल पुराने पौधे भी मेरे पास हैं। नर्सरी में भी हम रखते हैं क्योंकि इतना लोग पे नहीं कर पाते, बहुत महंगे होते हैं, बिल्कुल 8-10 हज़ार के तो पॉट ही आते हैं उनके, और फिर पौधा 25 साल जितना पुराना हो जाता है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है उतना ही। जैसे अब ये पौधा आप देख रही हैं आपके सामने, ये है, मैं बहुत छोटा सा 1200 रुपए का लगाया था, आज 1 लाख रुपए में भी ऐसा पौधा आपको नहीं मिल सकता। ओके, सो आपके पास में जो आपका पर्सनल बॉन्साई कलेक्शन है उसके अंदर हमको मिलेगा जेड, बोगनविलिया, अडेनियम और अडेनियम, अडेनियम जी, ये तीन मुख्य तौर से ये तीन हैं जी जी जी। दूसरे भी हैं जैसे अभी ये कल्प वृक्ष का बॉन्साई आप देखिए, अच्छा, आपके सामने, हाँ। बढ़िया, तो सब तरह के हैं, हाँ। दूसरे भी हैं, मेन आपके बोगनविलिया, हाँ। जेड और अडेनियम, अडेनियम यस जी। और कुछ कैक्टस के भी हैं जैसे, हाँ। ये एक बहुत बढ़िया पौधा है, कोचीपोडियम कैक्टस है, हाँ। जो आपने वहाँ पे उनके पास भी के अग्रवाल जी के यहाँ देखा था जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत तकड़ा कलेक्शन है उनका, उनका तो कमाल का कलेक्शन है जी, स्पेशली कैक्टस एंड सक्यूलेंस का बहुत ही अच्छा है, बहुत गजब का जी, हाँ बिल्कुल। सो नेक्स्ट एपिसोड में आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू ऑल हिज कलेक्शन, हम एक एक प्लांट को देखेंगे कि वो कैसा कैसा है, क्या उसमें क्या क्या फ्लावर्स हुए हैं, अभी इतने फ्लावर्स नहीं खिल रहे हैं, बट आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दोज पिक्चर्स विद यू, सर ने मुझे प्रॉमिस कराया कि वो पिक्चर्स देंगे। सो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू बिड फेयरवेल फॉर दिस एपिसोड नाउ, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो विजिट माई इंस्टाग्राम
so that you can see the everyday happenings. And I would be sharing a lot of pictures from my visit to Khejri Nursery in Jaipur on my Instagram. So keep watching. Bye.